और आज मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे सभी प्रभारी जो राजस्थान में थे उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, मुझे इस लायक समझा और मुझे ये जिम्मेदारी आप। सीएम तो इसके सबसे आगे आप थी, लेकिन सीएम ना बनके डिप्टी सीएम बनिए, कमी लग रही है या फिर सेटिस्फाइड? बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी जीत का श्रेय किसे देना चाहूँगा? देखिए, जीत तो हो गई, उसमें तो जनता ने बहुत काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक जादू था, जिस तरह से मोदी जी पे सब विश्वास करते हैं, उनकी योजनाओं पे करते हैं, केंद्र सरकार पे करते हैं, इस वजह से मैं जीती हूँ मेरी विधानसभा की जो सीट है। उसके बाद अभी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है तीनों राज्यों में, इसका श्रेय हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ही देते हैं। मैं देती हूँ कि उनकी वजह से, उन पे विश्वास है जनता को, इस वजह से हम लोग इतनी बड़ी बहुमत से सब जीते हैं। महिलाओं को लेकर अब आपकी क्या प्रेफरेंस होने वाली है, आपकी प्रायोरिटी क्या है आपके राज्य को लेकर? ये सब बातें तो आगे की हैं, अभी सब कुछ बनेगा, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, आगे क्या योजना बनेगी, वो सब चीजें आगे की बातें हैं। लेकिन हाँ, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, विकास के काम, ये सब चीजें, युवाओं को न्याय मिलना, ये सारी चीजें हमारे लिए प्राथमिकता रहेंगी। ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे से शायद कॉन्फ्लिक्ट है, तो सीएम का पत्ता कट होकर डिप्टी सीएम आया है। देखिए, ये सब बातों पे मैं कुछ कमेंट नहीं करती, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर हमने काम किया। आखिरी सवाल, और वो भी वहीं पर थी, उनका भी आशीर्वाद मिला। आखिरी सवाल है, आपके महल पे विजिट करने के लिए 4000 का चार्ज लगता है देखने के लिए? आप ये सवाल यहाँ पर लागू नहीं करता, इसको आप मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही हूँ, विधायक रही हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र और मेरे विधायक क्षेत्र से बात करके फिर मुझे ये सवाल पूछिएगा। आज ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। जो म्यूजियम है, लोगों का जो होता है, बिजनेस होता है, वो अलग होता है ना, और जो घर होता है वो घर में होता है। घर में मिलने मेरे से जो भी आता है वो टिकट नहीं पे करता, ये सवाल आपका गलत सवाल है। एक्सक्यूज मी।